हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डोसे की रिकैप लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने साथ में सांभर रेडी किया है। इसका तड़के की रिकैप मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी, और आलू का मसाला भी फ्राई किया है। और मैंने नाइट में दाल और चावल भिगा के रख दिए थे, मतलब दो कटोरी चावल तो एक कटोरी दाल मिक्स करके रख दिया था, और उसे पीस के मैंने ऐसा स्मूथ बैटर तैयार कर लिया है। जिस बैटर को हमें रात भर ढक के रखना है जिससे वो फूल जाए अच्छे से, जिससे हमारे डोसे क्रिस्पी एंड सॉफ्ट एंड पतले पतले बनेंगे। और इस तरीके का बैटर होगा, कंडीशनर बहुत पतली भी नहीं करनी। और अब गैस पे तवा रखेंगे, और तवा रख के अब हम डोसा बनाने की तैयारी करेंगे। तो हम इस पर अपने हिसाब से बैटर, आपको किस दिन का चाहिए उस हिसाब से बैटर डाल के इसे अच्छे से फैला लेना है। और सिंपली आपको दिख जाएगा कि आपका सा कैसा है। और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं कि तवे के साथ ये चिपके मत, क्योंकि मेरा तवा काफ़ी बार यूज़ हो चुका है। वैसे तो नॉन स्टिक तवे में ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मेरा तवा कई बार यूज़ हो चुका है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें ऑयल स्टिक करना पड़ा, जिसके कारण थोड़ा क्रिस्पीपन आ जाता है। और मेरे एक बेटा क्रिस्पी डोसा वैसे ही लेता है प्लेन, और एक को मसाला डाल के चाहिए होता है। तो मैं दोनों तरीके का आपको बना के दिखा रही हूँ कि एक ओनली मैंने सिर्फ उसके लिए प्लेन डोसा बनाया था जो क्रिस्पी था। इसे हम मीडियम आंच में पकने देंगे, और देखिए ये इस तरीके का लुक आएगा। ये विदाउट आलू है, ये ऐसे ही क्रिस्पी जैसा पसंद है, इसलिए मैंने किस तरीके से बनाया उसके लिए। और देखिए इसका लुक कितना प्यारा आया है, और बिल्कुल क्योंकि उसको क्रिस्पी पसंद है। और जो दूसरा वाला है ना, उसे सॉफ्ट चाहिए होता है, इसलिए उसके लिए मैंने इस तरीके से बनाया, और उसी में आलू का मसाला डाल दिया। और इसे मैं ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करूँगी क्योंकि उसे ज़्यादा क्रिस्पी नहीं पसंद है। तो मैंने दोनों टाइप के बनाए थे, आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। और इस तरीके से उसमें मसाला फैला देंगे, और इसमें भी थोड़ा सा ऑयल किस कर सकते हैं आप, जिससे ये स्मूथली निकल जाएगा। और फिर उसे आप निकालिए, देखिए एकदम आराम से निकलेगा ये। नहीं भी डालेंगे ऑयल तो चलेगा, लेकिन मैंने हल्का सा डाल लिया था। और अब इसे हम अपना प्लेट में सर्व कर लेंगे। और मैंने ना दाल पहले ही बना रखी थी देखिए, और एक साइड मैंने दाल बना ली थी सांभर दाल, एंड एक साइड मैंने उसका तड़का तैयार कर लिया था। और जब मेरा तड़का तैयार हुआ तो मैंने उस तड़के को उसके अंदर दाल के अंदर मिक्स कर दिया, और जिससे के साथ मैंने उसमें सांभर मसाला भी ऐड कर दिया था। मेरा सांभर रेडी हो गया, एंड आलू मसाला भी मैंने पहले ही रेडी कर लिया था। तो उसका लुक इस तरीके से था। अब मेरा डोसा तैयार है, और ये आप लोगों के लिए प्लेट तैयार है। तो प्लीज़ टेस्ट करके बताइएगा मुझे कि डोसा कैसा लगा आपको। और अगर आपको मेरे डोसे की तरफ अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर